Hello, good afternoon students. In the previous lecture we did chapter number 2, the completion part. Okay, उसमें एक दो एक्सरसाइज जो है वो हमें जूम क्लास में करनी है. दैट विल डू इट ओवर देयर ओनली. सो ऑलमोस्ट वी आर डन विद दैट चैप्टर. ओके, टेस्ट योर सेल्फ है वो मैंने आपको पहले भी बताया है. पहले आप लोग पूरा कंप्लीट करोगे चैप्टर का, रिविजन करोगे, एंड देन आफ्टर यू विल डू दैट टेस्ट. So now we'll start with chapter number 3, that is playing with numbers. Numbers ke saath khelna, that would be your chapter number 3. Okay, first of all here it is given learning objectives. Theek hai, learning objectives. After going through this chapter we will be able to, matlab jab ye chapter hum log karenge tab hume kon kon si cheeze karni hogi. First is परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन द करेक्ट ऑर्डर. मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. ये चार बेसिक है. ठीक है, उसको करेक्ट ऑर्डर में कैसे आपको करना है दैट विल स्टडी. इफ यू रिमेंबर द रूल ऑफ डी मैथ, दैट इज पहले डिविजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. ओके, ये कैसे करना है दैट विल मूव व्हेन विल सी द टॉपिक, दैट एट दैट टाइम विल डू दैट. ओके, सेकेंड इज आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, मल्टीपल्स, डिवाइजर्स एंड देयर वेरियस प्रॉपर्टीज. आइडेंटिफाई द फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स ढूंढने, मल्टीपल्स, डिवाइजर्स और उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज होगी वो भी हम लोग स्टडी करेंगे. थर्ड इज नो अबाउट प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओल्ड, इवन ऑड, यूनिक, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स. फिर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन, ऑड, यूनिक नंबर्स, को प्राइम, ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर्स. ओके, वो सब स्टडी करेंगे. फिर फाइंड द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स यूजिंग सीव ऑफ एरेटोस्टेंस. ठीक है, वो हम लोग यूज करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर यूज ढूंढने के लिए. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ होल नंबर्स. डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय दिस और नेट, वो हमने पहले भी किया है इफ यू रिमेंबर. नेक्स्ट इज फाइंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर होल नंबर्स, LCM एंड HCF. एंड लास्ट इज स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रियल लाइफ. ठीक है, तो अब लास्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? HCF और LCM के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम लोग स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द वेरियस स्टेप्स दैट आर टेकन व्हाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. इफ वी डू नॉट डू द ऑपरेशन इन द करेक्ट ऑर्डर वी मे गेट डिफरेंट आंसर्स फॉर द सेम एक्सप्रेशंस. ऐसा हो सकता है कि एक ही एक्सप्रेशन में से आपको दो अलग अलग आंसर्स मिले, तो पता कैसे चलेगा कि सही कौन सा है? फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर इट, देन एंड ओनली देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर. सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट फॉलोइंग द करेक्ट प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स वाइल सिंप्लीफाइंग द डिफरेंट ब्रैकेट्स. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने थोड़ा बहुत किया है, अब आगे इन ब्रीफ विल डू इट. सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस. अब आपको यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है दैट यू विल स्टडी इट बाई योर ओन. यहाँ पे दिया है कि 50 - 34 प्लस 5 × 3. ओके, अब डायरेक्टली पहले आप अगर 50 - 34 करोगे उसका जो आंसर है उसको प्लस 5 करोगे. ठीक है, और फिर जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो व्हाट यू विल गेट एज योर आंसर. या फिर आप पहले करोगे कि पहले ऐड कर दो, 34 प्लस 5 ऐड कर दो, फिर जो आंसर है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो आंसर है उसको 50 माइनस कर दो वो आंसर, देन व्हाट यू विल गेट एज योर आंसर. ठीक है, द होल थिंग आई विल शो इट टू यू ऑन द बोर्ड बट आई एम राइट नाउ जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट. ठीक है, एक छोटा सा कुछ इन्फॉर्म कर रही हूँ, बस दैट्स इट. तो यहाँ पे एक चीज कॉमन जो निकली है वो है कि
कोई अलग अलग मेथड से ये चीज़ नहीं होगी, उसकी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में अगर आप जाओगे तो ही आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व दैट इफ यू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन इन डिफरेंट ऑर्डर वी गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। टू गेट अ करेक्ट आंसर वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, करेक्ट ऑर्डर में अगर आप लोग परफॉर्म करोगे तो ही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस वो आपको मालूम है कि ऑर्डर ऑपरेशंस कैसे करते हैं। ऑर्डर में डीमास दैट इज पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ओके, द ऑपरेशन इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन शॉर्ट दिस ऑर्डर इज एक्सप्रेस्ड एज डीमास, वेयर डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. Okay? अब यहाँ पे this is just the introductory part of this chapter number 3. ये सिर्फ introductory part है, ठीक है? जो भी आगे करना होगा that will do it in the another lecture. आपको एक चीज करनी क्या है, ये learning objectives है वो एक बार refer करना है, और जो ये पूरा पेज, मतलब ये जो पूरा पेज मैंने करवाया वो पूरा आज एक बार रिफर करना है। ठीक है, आफ्टर रिफरिंग दिस गो टू प्रीवियस चैप्टर, उसमें जो एक्सरसाइज बाकी है वो पहले कंप्लीट करो एंड देन आफ्टर विल मूव फॉरवर्ड विद दिस चैप्टर। ओके, जब वो सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट, वी आर कीपिंग अप टिल योर